नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि टॉपिक सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस चल रहा था, उसका आज का अपना जो है कि पांचवा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि लॉजिक गेट को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट के प्रकारों के बारे में देखेंगे, कुछ अपने पास में जो मूलभूत लॉजिक गेट हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर अपने पास में जो यूनिवर्सल गेट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर इनसे जो भी अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास में जो लॉजिक गेट है, मूलभूत लॉजिक गेट, वो अपने पास में तीन प्रकार के हैं, नॉट गेट, ओर गेट और अपने पास में एंड गेट। सही है, पहले उनको लेकर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है लॉजिक गेट। तो अपने पास में है लॉजिक गेट, लॉजिक गेटों में सबसे पहले हम बात करते हैं मूलभूत लॉजिक गेटों के बारे में। मूलभूत लॉजिक गेट यानी तार्किक द्वार, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तार्किक द्वार। तो अपने पास में मूलभूत तार्किक द्वार, मूलभूत जो तार्किक द्वार है वो अपने पास में तीन प्रकार के हैं, नोट, एक और अपने पास में एंड। एक अपने पास में होता है नोट गेट, एक अपने पास में नोट गेट, एक अपने पास में होता है ओर गेट, और एक अपने पास में होता है एंड गेट। एंड गेट, इन तीनों को लेकर पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में अपने पास यूनिवर्सल गेट है उनको लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत बात करते हैं नोट गेट के बारे में। जो नोट गेट है इसका अपने पास में सिंबल क्या होता है, सिंबल की हम बात करें, नोट गेट का जो अपने पास में प्रतीक चिन्ह या सिंबल बोले तो, प्रतीक चिन्ह जो अपने पास में है वो अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है नोट गेट का प्रतीक चिन्ह। ये अपने पास में क्या है, नोट गेट का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद में अपने पास में ओर गेट का प्रतीक चिन्ह अपने पास में ये होता है, ये अपने पास में ओर गेट का प्रतीक चिन्ह है। सही है, ये अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, यहाँ वाई इक्वल टू अपने पास में होगा ए प्लस बी। सही है, ये अपने पास में ए, तो ये अपने पास में होगा ए बार। सही है, आगे अपने पास में आता है एंड गेट। एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है, वो अपने पास में होता है इस टाइप का, ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, ये अपने पास में वाई है, ये बराबर होगा ए डॉट बी के। सही है, ये अपने पास में इनपुट, ये आउटपुट, ये दोनों इनपुट, ये अपने पास में आउटपुट, ये अपने पास में इनपुट, ये अपने पास में क्या होगा, आउटपुट होगा। सही है, तो ये अपने पास में तीनों के लिए क्या होंगे, प्रतीक चिन्ह होंगे। सही है, अब तीनों के लिए हम बात करते हैं परिपथ चित्र की। सही है, परिपथ चित्र कैसा होता है, परिपथ चित्र की हम बात करें अपने पास में नोट गेट को लेकर, तो जो नोट गेट है उसका अपने पास में जो परिपथ चित्र होता है वो अपने पास में ट्रांजिस्टर के फॉर्म में ऐसे होता है।
ये अपने पास में बेस, ये अपने पास में होता है एमिटर, ये अपने पास में होता है VCC कंडक्टर। सही है, ये अपने पास में क्या होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, परिपथ चिन्ह होता है, और ये अपने पास में यहाँ होता है आउटपुट वाई। सही है, ये अपने पास में यहाँ क्या होता है इनपुट, ये अपने पास में क्या होता है वाई आउटपुट। ये इसका क्या हो गया, परिपथ चित्र हो गया। इसके परिपथ चित्र की हम बात करें इसके परिपथ चित्र की हम बात करें तो अपने पास में इसका जो परिपथ चित्र है, इसका जो परिपथ चित्र है वो अपने पास में क्या होगा, इसके परिपथ चित्र की हम बात करें ओर गेट की, तो ओर गेट का जो परिपथ चित्र है वो अपने पास में ऐसे होगा। ये अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, यहाँ अपने पास में होगा आउटपुट वाई, यहाँ अपने पास में कोई बल्ब या प्रतिरोध, ये अपने पास में होगा ग्राउंड। ये किसके लिए परिपथ होगा अपने पास में, परिपथ चित्र होगा किसके लिए, ओर गेट के लिए। उसी प्रकार एंड गेट के लिए बात करें तो एंड गेट के लिए अपने पास में डायोड चेंज हो जाएंगे, ये अपने पास में डायोड D1, ये अपने पास में डायोड D2। तो जो डायोड के सिरे हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसके डायग्राम की हम बात करें, ये अपने पास में ऐसे होगा, ये अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, ये अपने पास में होगा ग्राउंड, यहाँ अपने पास में होगा आउटपुट वाई। सही है, तो नॉट गेट, ओर गेट और अपने पास में एंड गेट, इनके लिए अपने पास में परिपथ चिन्ह हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया और परिपथ चित्र हो गया। इसके अलावा हम बात करें इसकी आवर्त सारणी की, ट्रुथ टेबल की हम बात करें, सत्यापन सारणी, सत्यापन सारणी या ट्रुथ टेबल, सत्यापन सारणी ये अपने पास में क्या होगी, इसकी सत्यापन सारणी यदि अपने पास में ए और ये अपने पास में क्या है ए बार, एक का मान 1 है तो ए बार यानी कि ए का उल्टा 0। सही है, और यदि ए का मान अपने पास में 0 है तो ए बार अपने पास में कितना होगा, 1। ये अपने पास में इसके लिए होगी सत्यापन सारणी या ट्रुथ टेबल। आगे अपने पास में ओर गेट के लिए हम बात करें तो ओर गेट में अपने पास में इनपुट में ए और बी, आउटपुट में अपने पास में वाई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, यानी कि दोनों का क्या होता है, योग होता है। यदि अपने पास में ए अपने पास में 0 और बी भी 0 तो दोनों का योग अपने पास में 0 और 0 कितना होगा, ये अपने पास में 0। अगर ए अपने पास में 0 और ये 1 तो ये कितना होगा, अपने पास में 1 हो जाएगा योग में। ये अपने पास में 1 0 तो योग में कितना हो जाएगा, 1। ए भी अपने पास में 1 है, बी भी अपने पास में 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है, तो ये अपने पास में होगा। ये अपने पास में किसके लिए क्या होगी, सत्यापन सारणी। इसके सत्यापन सारणी की हम बात करें तो ये अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, वाई बराबर अपने पास में होगा ए डॉट बी। यदि ए का मान 0 और बी का मान 0 तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ए का मान 1 बी का मान 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ए का मान 1 बी का मान 0, 1 को 0 से, ये अपने पास में 0 और 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 1 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 और 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये अपने पास में सत्यापन सारणी किसकी हो गई, ये अपने पास में एंड गेट की सत्यापन सारणी हो गई। तो प्रतीक चिन्ह अपने पास में ये हो गया, परिपथ चित्र अपने पास में ये हो गया,
और सत्यापन सारणी अपने पास में तीनों के लिए हो गई, सही है। तो नॉट गेट, ओर गेट और अपने पास में एंड गेट। जो नॉट गेट है वो क्या करता है, एक का क्या करता है, इन्वर्स करता है। जो ओर गेट है वो क्या करता है, वो जो है कि जो भी अपने पास में इनपुट होता है उनका क्या करता है, एड करता है, ए प्लस बी। और जो एंड गेट होता है वो अपने पास में इनपुट का क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, सही है। तो इन तीनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है नोर गेट और नैंड गेट। नोर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं या सार्वत्रिक द्वार भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, नोर गेट की, और फिर बात करते हैं नैंड गेट की, सही है। आगे अपने पास में है यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक द्वार, सार्वत्रिक द्वार। अपने पास में कौन कौन से हैं, पहला अपने पास में है नोर, और दूसरा अपने पास में कौन सा है, ये अपने पास में है नैंड। नोर और जो नैंड द्वार है वो अपने पास में सार्वत्रिक द्वार या क्या है, यूनिवर्सल गेट है। तो नोर गेट की हम बात करें, जो नोर गेट अपने पास में होता है, ये अपने पास में है नोर गेट, और एक अपने पास में है नैंड गेट। नैंड गेट और नोर गेट, नोर गेट की हम बात करें, नोर गेट जो है वो अपने पास में नोट प्लस ओर से मिलके बना है, सही है। जो नोर गेट है ये अपने पास में बना है ओर प्लस नोट, और प्लस नोड से मिलके बना है नोर गेट। नोर गेट और नोट गेट इन दोनों से मिलके कौन सा गेट बना है, नोर गेट बना है। और गेट का सिंबल अपने पास में क्या होता है, और गेट का सिंबल अपने पास में ये होता है, ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, और ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है नोट गेट, सही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने पास में कौन सा गेट बना है, नोर गेट बना है। और प्लस नोट का संयोजन नोर गेट हो गया। तो इसमें अपने पास में यहाँ ए और बी, तो यहाँ वाई बराबर अपने पास में कितना होगा, वाई बराबर अपने पास में इन दोनों का योग होगा, ये अपने पास में होगा ए प्लस बी, सही है। ये जो नोट गेट है ये इसका इन्वर्स कर देगा, तो यहाँ पर अपने पास में वाई बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा a प्लस बी का बार, सही है। इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है, ये अपने पास में a है, ये अपने पास में b है, और ये यहाँ डॉट लगा देते हैं तो अपने पास में ये हो जाएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा a प्लस बी का बार। ये कौन सा गेट हो गया, ये अपने पास में हो गया नोर गेट, सही है। ये नोर गेट का क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। इसके लिए अपने पास में परिपथ चित्र, परिपथ चित्र, परिपथ चित्र, परिपथ चित्र इसका कैसा होगा, तो अपने पास में सबसे पहले तो अपन बनाएंगे कौन सा गेट, सबसे पहले अपन बनाएंगे इसमें ओवर गेट। ओवर गेट के लिए परिपथ चित्र कैसा था अपने पास में, ओवर गेट के लिए परिपथ चित्र अपने पास में ऐसा था, ये अपने पास में ट्रांजिस्टर, ये अपने पास में बेस, ये अपने पास में VCC, और ये अपने पास में ग्राउंड, कॉमन बेस, ये कॉमन एमिटर, ये अपने पास में कॉमन कलेक्टर, तो ये अपने पास में डायग्राम। ये अपने पास में होगा इसके लिए परिपथ चित्र,
सही है। आगे हम बात करें इसके लिए ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल अपने पास में कितनी होगी? अगर ए का मान अपने पास में कितना है, ये ए है, ये अपने पास में बी है, फिर अपने पास में ए प्लस बी का बार। ए का मान 0, बी का मान 0, ए का मान 0, बी का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 0, ए का मान भी 1 और बी का मान भी 1। तो देखना ये अपने पास में दोनों का योग करेगा, दोनों का योग करके क्या करेगा, बार करेगा। तो 0 और 0 का योग 0, 0 का बार कितना होगा 1, इन दोनों का योग 1, 1 का भार 0, इन दोनों का योग 1, 1 का भार 0, इन दोनों का योग 1, 1 का भार 0। तो ये अपने पास में होगा इसके लिए ट्रुथ टेबल। सही है, ये अपने पास में ए और बी, ए और बी अपने पास में इनपुट है और ये अपने पास में क्या है, आउटपुट है वाई बराबर। ये अपने पास में किसके बराबर है, वाई के बराबर है। वाई के बराबर सही है। तो ये अपने पास में जो नोर गेट है उसके लिए प्रतीक चिन्ह, परिपथ चित्र और ये अपने पास में क्या हो गया इसके लिए सत्यापन सारणी या ट्रुथ टेबल हो गई। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में है नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो अपने पास में एंड प्लस नोट से मिलकर बना है। सही है, एंड गेट का सिंबल क्या होता है, इससे मिलकर बनता है नैंड, एन ए एन डी। तो एंड गेट का सिंबल अपने पास में ये है, ये यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी आएगा। वाई बराबर क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट बी। इसमें अपन जोड़ देते हैं नोट गेट को, तो ये अपने पास में नोट गेट। नोट गेट क्या करेगा, इसका इन्वर्स कर देगा, तो यहाँ से अपने पास में वाई बराबर आएगा ए और बी का बाहर आ जाएगा। सही है, इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, एक साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु लगा देते हैं, तो अपने पास में ए और ये बी, आउटपुट वाई बराबर अपने पास में होगा ए डॉट बी का बार। सही है, तो ये अपने पास में इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए अपने पास में प्रतीक चिन्ह होगा। परिपथ चित्र की हम बात करें, परिपथ चित्र अपने पास में क्या होगा, जो एंड गेट का परिपथ चित्र है पहले वो बना दूँ, वो अपने पास में कैसे बन जाएगा, वो अपने पास में ऐसे बन जाएगा। ये अपने पास में बेस, ये अपने पास में कंडक्टर, ये अपने पास में एमिटर। ये अपने पास में इनपुट में ए और ये बी, यहाँ अपने पास में होगा आउटपुट में वाई। ये अपने पास में इनपुट में ए, ये अपने पास में बी, अपने पास में यहाँ होगा आउटपुट वाई। सही है, यहाँ अपने पास में होगा आउटपुट वाई। तो इसमें अपने पास में सत्यापन सारणी की हम बात करें, तो अपने पास में ए और ये बी और ए डॉट बी का बार। अगर ए अपने पास में 0, बी भी अपने पास में 0, तो ए और 0 और 0 का डॉट कितना होगा, 0 और 0 का डॉट होगा 0 और 0 होगा बाहर 1। अपने पास में 0 1 होगा, 0 और 1 का डॉट कितना होगा 0, 0 का बार कितना होगा 1। यदि अपने पास में 1 और 0 होगा, 1 और 0 का डॉट कितना होगा 0, 0 का बार कितना होगा 1। यदि अपने पास में 1 और 1 का डॉट कितना होता है, 1 होता है और 1 का बार अपने पास में कितना होगा 0। तो ये अपने पास में क्या होगा इसके लिए ट्रुथ टेबल होगी। सही है, तो ये ट्रुथ टेबल हो गई, ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया, ये इसका परिपथ चित्र हो गया, ये अपने पास में नोर गेट और ये अपने पास में क्या हो गया नैंड गेट। सही है, ये अपने पास में यूनिवर्सल गेट कहते हैं इनको,
या इनको सार्वत्रिक द्वार भी कहा जाता है। ये अपने पास में जो मूलभूत अपने पास में तार्किक द्वार है उन्हीं के संयोजन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। जब ओर गेट और नोट गेट को मिला देते हैं तो नोर गेट बनता है, और एंड गेट और नोट गेट को मिला देते हैं तो अपने पास में नैंड गेट बनता है। सही है, यह अपने पास में होगा आर बी, एक रजिस्टर अपने पास में यहाँ होगा, यह अपने पास में होगा आर सी, यह अपने पास में बेस, यह अपने पास में कंडक्टर, यह अपने पास में आर बी, और एक रेजिस्टेंस अपने पास में यहाँ होगा आर सी, ये डायोड डी वन होगा अपने पास में, ये डायोड डी टू होगा, इसमें अपने पास में ये डायोड डी वन होगा, ये डायोड अपने पास में क्या होगा, डी टू होगा। सही है, ये अपने पास में डायग्राम बनेंगे। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एक्स ओर गेट और एक है एक्स नोर गेट। सही है, पहले हम बात करते हैं एक्स ओर गेट की, एक्स ओर गेट और एक अपने पास में है एक्स नोर गेट, एक्स नोर और ये अपने पास में एक्स ओर। एक्स ओर गेट है, इसका जो सिंबल है वो अपने पास में ऐसे होता है, ये अपने पास में कौन सा गेट है, ओर गेट है, इस ओर गेट में हम ये ओर कर देते हैं इस तरह से, तो ये अपने पास में बन जाता है एक्स ओर गेट। इसमें अपने पास में ये इनपुट है ए, ये इनपुट ए और बी, और वाई अपने पास में क्या है, आउटपुट है। इसमें जो अपने पास में वाई वाई आउटपुट होता है वो अपने पास में होता है वाई बराबर ए और बी प्लस ए और बी, ए का भार और इसमें बी का भार, ये अपने पास में होता है वाई का मान। ये हो गया बूलियन समीकरण, जो वाई का वैल्यू होता है उसको कहते हैं बूलियन समीकरण या बूलियन इक्वेशन, ये अपने पास में हो गया बूलियन समीकरण। उसी प्रकार से अपने पास में बात करें हम एक्स नोर गेट की, तो एक्स नोर गेट का सिंबल क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, इसी में यहाँ पर डॉट लगा दें तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्स नोर गेट हो जाएगा। यह है ए, यह है बी, यह अपने पास में है आउटपुट वाई, इसमें जो वाई होता है वो बराबर होता है ए बी प्लस ए और बी, ये अपने पास में होता है, ये होता है बूलियन समीकरण। बूलियन समीकरण इसी को क्या लिखते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वाई बराबर ए और बी, और इसको क्या लिख सकते हैं y बराबर a और b का बार। सही है, ये a और b का बार हो जाएगा, तो अपने पास में कौन सा गेट हो जाएगा, x नोर गेट हो जाएगा। तो ये अपने पास में इसका प्रतीक चिन्ह, ये है प्रतीक चिन्ह, यह अपने पास में इसके लिए बूलियन समीकरण। इसके लिए सारणी की हम बात करें, सत्यापन सारणी, ट्रुथ टेबल, सत्यापन सारणी अपने पास में होगी ए और बी, यह अपने पास में होगा ए बार बी और ए बी का बार, इन दोनों का योग हो जाएगा अपने पास में, ए का बार और बी का बार, ये हो जाएगी अपने पास में सत्यापन सारणी। यदि ए का मान अपने पास में कितना है, जीरो है, बी का मान भी जीरो है, तो अपने पास में ए बार भी कितना होगा, ए बार का मतलब ए का बार कितना हो गया, ये अपने पास में एक, बी अपने पास में ऐसे कैसे, तो बी अपने पास में कितना हो गया, जीरो। एक और जीरो का मल्टीप्लिकेशन अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है जीरो। सही है, आगे अपने पास में ऐसे कैसे, ए का मान जीरो, बी बार यानी बी बार का मतलब एक का कितना हो गया, वन, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। सही है, जीरो और जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो। सही है, आगे अपने पास में ये जीरो, ये अपने पास में वन, तो ए भार का मतलब एक,
बी का मान अपने पास में एक, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक। इधर अपने पास में ए, ए अपने पास में जीरो, बी, बी अपने पास में कितना है वन, वन का भार कितना होगा जीरो, तो जीरो और जीरो कितना होगा जीरो, इन दोनों का योग कितना होगा, ये होगा वन, सही है। आगे अपने पास में वन जीरो, तो एक का बार, एक का बार कितना हो जाएगा जीरो, बी, बी अपने पास में जीरो, जीरो और जीरो कितना होगा जीरो। आगे अपने पास में ए, ए सी के सी, ए का मान एक, बी का बार, एक का बार कितना हो जाएगा जीरो का बार एक हो जाएगा एक, तो अपने पास में एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ, यहाँ होगा एक, सही है। आगे अपने पास में एक, एक दोनों का मान एक एक करेंगे तो ए बार, ए बार का मतलब कितना हो जाएगा जीरो, बी अपने पास में ऐसे कैसे बी का मान एक, ये हो जाएगा अपने पास में जीरो। आगे अपने पास में ए, ए का मान ऐसे कैसे वन डॉट, बी का बार एक का भार जीरो, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, इन दोनों का योग कितना होगा जीरो। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, इसके लिए ट्रुथ टेबल हो जाएगी। किस गेट के लिए, ये अपने पास में अक्स और गेट के लिए। उसी प्रकार से अक्स नोर गेट के लिए, अक्स नोर गेट के लिए अपने पास में कितना होगा ए, बी, ये अपने पास में इनपुट, इसमें ये अपने पास में आउटपुट होगा वाई बराबर, तो वाई का मान अपने पास में ये आएगा आउटपुट। इसमें वाई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ए प्लस बी, इसका क्या होता है बार होता है। तो ये अपने पास में जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और जीरो जीरो, देखना अपने पास में वाई का मान क्या होगा। ये जो वैल्यू है ये अपने पास में किसके बराबर, इसके बराबर क्या, ये ए और प्लस बी के, इसमें क्या होगा ए प्लस बी का भार हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा भार हो जाएगा, इस वाले के मान का जीरो का भार कितना होगा वन, वन का भार जीरो, वन का भार जीरो, जीरो का भार, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, इसके लिए ट्रुथ टेबल हो जाएगी। इसका इन्वर्स कर देंगे तो अपने पास में इसके ट्रुथ टेबल में वाई का मान आ जाएगा बूलियन समीकरण का, सही है। तो ये अपने पास में दोनों गेट हो गए, एक तो अपने पास में अक्स और गेट और एक अपने पास में अक्स नोर गेट। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है कुछ बूलियन बीजगणित के कुछ नियम से हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। आगे अपने पास में है बूलियन बीजगणित की, इनमें अपने पास में देखना, पहले हम बात करते हैं यदि अपने पास में ए प्लस ए है, ए और ए को जोड़ते हैं तो अपने पास में क्या आता है, ए आता है, सही है। दूसरे की हम बात करें, दूसरा अपने पास में है एक को ए से गुणा करवाते हैं तो भी अपने पास में क्या आता है, ए आता है। तीसरा अपने पास में क्या है, यदि अपने पास में ए है, ए के बार का बार करते हैं तो ये अपने पास में ए में चेंज हो जाता है, सही है। चौथा अपने पास में क्या है, यदि अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी इसका बार है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बार को ब्रेक करते हैं तो यहाँ बाहर को ब्रेक करने पे अपने पास में चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे ए को ब्रेक करेंगे यहाँ से तो ये डॉट हो जाएगा ए डॉट, बी को ब्रेक करेंगे बी डॉट और ये अपने पास में सी डॉट, ये अपने पास में ऐसे होगा। यदि अपने पास में ए बी और सी इसका बार हो तो ये अपने पास में हो जाएगा ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार, सही है। यहाँ से ये ब्रेक होगा, चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ से ब्रेक होगा, प्लस की जगह चिन्ह किसका हो जाएगा, डॉट का हो जाएगा, यानी कि गुणा का हो जाएगा। आगे अपने पास में छठे की हम बात करें, बूलियन बीजगणित में अपने पास में एक और प्लस एक मिलकर कितना होता है, एक होता है, सही है। आगे हम बात करें सातवीं की, तो अपने पास में एक के अंदर जीरो जोड़ते हैं तो ये अपने पास में बनता है ए, और यदि अपन एक को गुणा करवाते हैं जीरो से तो अपने पास में बनता है जीरो, सही है। ये कुछ एक नियम है,
इनको ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर एक। इसमें अपने को दिया गया है कि चित्र में प्रदर्शित तार्किक परिपथ का निर्गत है, यानी कि जो तार्किक परिपथ था उसमें निर्गत या आउटपुट ज्ञात करना है। आउटपुट यानी कि इसमें अक्ष का मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डायग्राम दे रखा है ये वाला। ये अपने पास में इनपुट में है ए और ये अपने पास में है बी, सही है। और एक अपने पास में ये है, ये अपने पास में है एक्स। अपने को एक्स का मान है वो क्या करना है, ज्ञात करना है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये कौन सा गेट है, ए और बी। ये अपने पास में क्या है, एंड गेट, सही है। एंड गेट के अपने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो ये कौन सा गेट हो गया, ये अपने पास में हो गया नैंड गेट, सही है। तो नैंड गेट में अपने पास में क्या होगा, ये क्या करता है, दोनों का डॉट करता है। तो ये अपने पास में हो जाएगा ए डॉट बी और इसका क्या हो जाएगा, बार, सही है। ये डॉट करेगा पॉइंट के लिए, अपने पास क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब ये इसमें इनपुट करेगा, इसमें इनपुट होगा तो ये अपने पास में क्या कर देगा, ये इसका क्या कर देगा, बार कर देगा। इसका बार करने का मतलब क्या कर देगा, ए और बी इसका क्या कर देगा, डबल बार कर देगा। तो अपने पास में वाई का अक्ष का वैल्यू कितना होगा, ये होगा अक्ष बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा ए डॉट बी का बार, सही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स बराबर ये अपने पास में ए डॉट बी, ये अपने पास में बाहर हटेगा, ये बाहर हटेगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे अपने पास में फिर बाहर हटेगा तो ये अपने पास में हो जाएगा ए, या फिर डायरेक्ट अपने पास में प्रॉपर्टी लिखवाइए, प्रॉपर्टी लिखवाइए, क्या लिखवाइए कि ए बार का बार कितना होता है, ये अपने पास में ए के बराबर होता है, अभी लिखवाइए प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से अपने पास में ए और बी बार का बार कितना होगा, ये अपने पास में बराबर होगा ए डॉट बी के। ए डॉट बी कौन से ऑप्शन में है, ए डॉट बी है अपने पास में ऑप्शन नंबर तीन में, तो ऑप्शन नंबर तीन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में नैंड गेट की बात व्यवहार करेगा तो इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होके क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो इन दोनों का डॉट हो गया, इसका इन्वर्स हो गया, सही है। ये यहाँ से आएगा तो पॉइंट का मतलब क्या होगा, इन्वर्स होगा, तो ये इसका क्या कर देगा, एक बार और बार कर देगा। और ए बी का बार किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। ए बी कौन से ऑप्शन में, तीसरे में है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर दो। दिए गए परिपथ में निर्गत वाई, ये वाई बराबर है, अपने पास में जीरो प्राप्त करना है। जीरो प्राप्त करने के लिए कौन सा निवेशी समुच्चय गलत है, जीरो प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा गलत है, कौन से में वाई बराबर जीरो नहीं आ रहा है वो अपने को चेक करना है, सही है। तो यहाँ से देखना इस वाले के लिए, ये डायग्राम अपने पास में क्या है, सॉल्यूशन की हम बात करें, डायग्राम अपने पास में ये है, ये अपने पास में है ए, ये अपने पास में है बी, ये अपने पास में है वाई, ये अपने पास में है सी। तो यहाँ से देखना, ये अपने पास में नैंड गेट है तो ये ए और बी का डॉट करके बार करेगा, ये ए और बी का क्या कर देगा, डॉट कर देगा, और इसका क्या कर देगा, बार कर देगा, सही है। तो ये यहाँ से चलता चलता अपने पास यहाँ पहुँच जाएगा, ये अपने पास में यहाँ से सी यहाँ पहुँच जाएगा, सही है। अब ये कौन सा गेट है, ये अपने पास में है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, इसका डॉट करता है दोनों का, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, ए डॉट बी इसका बार और ये अपने पास में सी, ये वाई का बार होगा, ये अपने पास में वाई का मान होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अपने पास में वाई का मान जीरो प्राप्त करने के लिए, वाई का मान जीरो प्राप्त करना है, तो वाई का मान जीरो प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा समुच्चय गलत है। तो y का मान अगर जीरो प्राप्त करना है तो अपने पास में a का मान, b का मान और c का मान, इनको चेक करना है, सही है। तो यहाँ से देखना, अगर c का मान जीरो है, c का मान जीरो होगा तो अपने पास में पूरा जीरो हो जाएगा, सही है। c का वैल्यू जीरो है तो जीरो इससे मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, तो यानी c का वैल्यू अपने पास में इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें c का वैल्यू वन है, इसमें c का वैल्यू वन है, तो ये अपने पास में क्या होगा, जीरो नहीं होगा, सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, सही है।
यहाँ से उलटी उठा उठा के रख लो, वाई बराबर अपने पास में एक का मान तो कितना है, ये अपने पास में ऐसे हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और ये अपने पास में सी। तो यहाँ से वाई बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है वन, तो वन का बार कितना जीरो प्लस बी का मान कितना है जीरो, जीरो का बार कितना हो गया, जीरो का बार हो गया वन और ये अपने पास में सी, सी का मान कितना है वन, तो वाई बराबर अपने पास में कितना होगा जीरो प्लस वन यानी कि वन होगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में यह वन आएगा। सही है, ये पहले वाले केस में वाई बराबर जीरो प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा वाला रख के देखो, दूसरे वाले में अपने पास में सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में इसमें रख के देखो, यहाँ एक का मान अपने पास में एक का इन्वर्स एक का मान जीरो प्लस बी अपने पास में वन, वन का बार अपने पास में जीरो जीरो डॉट सी अपने पास में कितना है जीरो जीरो, तो टोटली मिला के कितना हो गया अपने पास में जीरो, वाई का मान जीरो हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखो, तीसरे ऑप्शन में ए बार यानी एक का मान जीरो, तो एक का बार कितना हो गया अपने पास में वन प्लस बी बार, बी का मान एक तो बी का बार कितना हो गया, बी का बार हो गया जीरो और अपने पास में सी का मान कितना है, सी का मान इसमें है जीरो, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होते क्या हो गया जीरो। उसी प्रकार से चौथे ऑप्शन में देखो, चौथे ऑप्शन में ए का मान कितना है वन, तो एक का बार कितना हो गया जीरो प्लस बी का मान जीरो तो बी का बार कितना हो गया वन इंटू सी, सी का मान उसमें कितना है जीरो, तो ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होते कितना हो गया जीरो हो गया। तो ये बोल पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन में वाई बराबर जीरो प्राप्त, वाई बराबर जीरो प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा समुच्चय गलत है। तो इस समुच्चय समुच्चय के अंदर अपने पास में वाई बराबर कितना आ रहा वन आ रहा है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर एक है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर तीन, इसमें अपने को दिया गया है कि दिया गया द्वार का जो संयोजन है वो किसके समतुल्य है, यानी कि जो अपने पास में डायग्राम है ये किस किस गेट की तरह व्यवहार करता है, ये अपने को चेक करना है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में ये अपने को डायग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन क्या होगा, डायग्राम अपने को ऐसे दे रखा है, ये अपने पास में कौन सा गेट है, ये अपने पास में है नोट गेट और ये अपने पास में कौन सा गेट है, नोर गेट। सही है, तो मान लेते हैं ये अपने पास में इनपुट ए है, ये अपने पास में इनपुट बी है, आउटपुट वाई है, वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है कि आउटपुट वाई है वो किस गेट की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ से देखना ए और बी ये क्या करता है, इनका योग करता है, योग करके बाहर करता है, तो ये इनका योग करके बाहर कर देगा, तो ये क्या कर देगा ए प्लस बी इनका योग करके क्या कर देगा, इसका बाहर कर देगा। सही है, ये अपने पास में नोर गेट है, ये इन दोनों का क्या करेगा, योग करेगा और क्या करेगा, बाहर करेगा, तो ए प्लस बी का अपने पास में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर ये क्या है, नोट गेट है, ये नोट गेट क्या करेगा, इसका क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो इसका बार अपने पास में कितना होगा, वाई बराबर ये अपने पास में होगा ए प्लस बी इसके बार का बार होगा। सही है, और वाई बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, ए बी का बार किसके बराबर होगा, ये ए प्लस बी के बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। और वाई बराबर अपने पास में ए और बी किसके किस में आता है, कौन से गेट में आता है, एडिशन, एडिशन जो होता है वो अपने पास में आता है नोट एंड गेट में, एंड गेट में अपने पास में क्या आता है, एडिशन आता है नोट और एंड, तो एंड वाला जो गेट है उसमें अपने पास में क्या होता है, योग होता है, ये अपने पास में योग किस में होता है, योग अपने पास में और वाले गेट में होता है, जो और गेट होता है उसमें क्या होता है, एडिशन होता है, नोट गेट में तो बार होता है, और गेट में एडिशन होता है, और अपने पास में एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ वाई क्या हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है, जो इनपुट है उनका एडिशन हो रहा है, वो अपने पास में और गेट में होता है, तो ये किसके जैसे काम करेगा, और गेट की तरह काम करेगा, कौन से गेट की तरह काम करेगा, और गेट की तरह काम करेगा। ये अपने पास में जो बूलियन समीकरण किसका है, यह है बूलियन समीकरण और गेट का है, यह है बूलियन समीकरण और गेट का है, तो ये अपने पास में क्या करेगा, और गेट की तरह काम करेगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर चार, चित्र में दिए गए गेटों के संयोजन में निर्गत वाई को निवेशों ए और बी के पदों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है,
यानी कि इसमें अपने को वाई का मान ज्ञात करना है ए और बी के पदों में, वाई का मान क्या होगा। तो ये अपने पास में डायग्राम है, इस डायग्राम में अपने को वाई का मान ज्ञात करना है। तो डायग्राम में क्या दे रखा है अपने को, ये अपने पास में ऐसे है डायग्राम, ये अपने पास में यह गेट लगा रखा है एंड गेट, ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, यहाँ अपने पास में है नोट गेट, ये अपने पास में ऐसा गेट क्वेश्चन में गिवन है, इसमें अपने को वाई का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से देखना अपने पास में, यहाँ से ए आएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा ए, सही है। यहाँ से अपने पास में बी, बी के मार्ग में कौन सा गेट है, ये अपने पास में नोट गेट है, नोट गेट क्या कर देगा बी का बार कर देगा, ये कर देगा बी बार, सही है, यहाँ अपने पास में ये आ गया। अब ये कौन सा गेट है, ये अपने पास में है एंड गेट, एंड गेट क्या कर देगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देगा, तो यहाँ अपने पास में बन देगा ए डॉट बी का बार, सही है। इस वाले के लिए चेक करते हैं, इधर से अपने पास में ए आएगा, ए का यहाँ बाहर हो जाएगा, सही है, ए का अपने पास में यहाँ बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का बार, सही है, और बी अपने पास में ही आएगा, ये होगा बी, सही। ये कौन सा है, एंड गेट है, एंड गेट क्या करेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देगा, ये कर देगा ए बार डॉट बी, सही है। अब ये दोनों यहाँ आएंगे इस वाले गेट में, ये भी कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट क्या कर देगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा ए डॉट बी का बार, और अपने पास में ए बार बी, ये अपने पास में बनेगा, सही है। यहाँ से अपने पास में ये बनेगा, ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे अपने पास में है और गेट, और गेट क्या कर देगा इन दोनों का योग कर देगा, सही है। तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ अपने पास में है और गेट, तो और गेट क्या कर देगा इन दोनों का एडिशन कर देगा, तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि निम्न में से निर्गत सिग्नल की प्रकृति होगी, इनमें से अपने पास में जो यहाँ निर्गत सिग्नल होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, सही है। तो ये जो अपने पास में वेव आ रही है, इस वेव के लिए अपने पास में ये डायोड का कौन सा अपने पास में है, ये डायोड का अपने पास में पॉजिटिव टर्मिनल, ये अपने पास में क्या है नेगेटिव टर्मिनल, सही है। तो ये डायोड के नेगेटिव टर्मिनल में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, सही है। तो इसके लिए अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में निविष्ट अपने पास में जो होगा सिग्नल होगा, जो निविष्ट सिग्नल अपने पास में होगा उसके लिए जो डायोड होगा वो क्या होगा, पश्चवाइज में होगा, सही है। इधर नेगेटिव होगा तो डायोड क्या होगा, पश्चवाइज में होगा, निविष्ट सिग्नल के लिए, निविष्ट सिग्नल सिग्नल के लिए डायोड पश्चवाइज में होगा, पश्चवाइज में होगा, पश्चवाइज में होगा। तो अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में धनात्मक अपने पास में सिग्नल होगा उसका मान शून्य हो जाएगा, सही है। पश्चवाइज में क्या होगा, धनात्मक सिग्नल का मान शून्य हो जाएगा, तो अपने पास में कौन सा सिग्नल बचेगा, ऋणात्मक सिग्नल बचेगा, सही है। पश्चवाइज में होगा तो धनात्मक सिग्नल शून्य हो जाएगा, धनात्मक सिग्नल
शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डायोड के पश्चवाइज में होने से जो धनात्मक सिग्नल वो कट जाएगा, कौन सा सिग्नल बचेगा? ऋणात्मक सिग्नल बचेगा। ऋणात्मक सिग्नल कौन से में आ रहा है? इसमें से ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला बचेगा। तो नीचे वाला कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है, सही है। आगे अपने पास में है छट्टा। छट्टे में दे रखा है कि दिए गए परिपथ में ए और बी दो निवेशी है, ये अपने पास में निवेशी संकेत है, और सी अपने पास में निर्गत संकेत है, दिया गया परिपथ निरूपित करता है। ये डायग्राम कौन से गेट का अपने पास में है? ये डायग्राम अपने पास में है ओर गेट का। करवाया अभी आपको, ऐसा डायग्राम किसका होता है? ओर गेट का होता है। तो ये अपने पास में कौन सा गेट हो गया? ओर गेट हो गया। अब इसको चेक करते हैं, चेक करने का भी तरीका अपने पास में है। इस डायग्राम से अपन क्या करते हैं, एक टेबल बना के देखते हैं, वो टेबल और टेबल ओर गेट होता है उसके टेबल से मैच कर जाती है। तो अपने पास में कौन से गेट की तरह व्यवहार करेगा? ये ओर गेट की तरह व्यवहार करेगा। इसको एक बार चेक करके देखते हैं, इस डायग्राम को सॉल्यूशन देखना अपने पास में। ये अपने पास में डायग्राम है। इस डायग्राम में यदि अपने पास में ए का मान, बी का मान और सी का मान, ए का मान अपने पास में जीरो है, बी का मान भी अपने पास में क्या है? जीरो है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा? ए का मान अपने पास में जीरो, केस फर्स्ट में देखना, केस फर्स्ट में ए का मान भी जीरो, बी का मान भी जीरो, ए भी जीरो और अपने पास में बी भी जीरो, सही है। ए का मान जीरो है यहाँ पे, तो ये जो डायोड होगा वो अपने पास में कैसे होगा? ए का मान जीरो यानी कि यहाँ अपने पास में ये डायोड का अपने पास में पॉजिटिव टर्मिनल, ये अपने पास में क्या है? नेगेटिव, सही है। ये अपने पास में क्या है? ये इसका एनोड है, ये इसका क्या है? कैथोड, सही है। एनोड प्लस वाला, कैथोड कौन सा है? माइनस वाला। तो यहाँ से अपने पास में ए कितना है? जीरो। ये इसका एनोड, नीचे वाले का ये कैथोड, ये इसका एनोड कैथोड, इसका एनोड कैथोड। ए का मान कितना लेते हैं अपन? ये यहाँ पे अपने पास में जीरो देंगे, इसको इसको भी अपन क्या देंगे? जीरो देंगे, सही है, जीरो जीरो देंगे। तो अपने पास में यहाँ से देखना क्या होगा, ये यहाँ पे अपने पास सी है, तो इसको जीरो देने पे अपने पास में यहाँ जीरो है। जीरो का मतलब यहाँ अपने पास में क्या है? नेगेटिव। ये अपने पास में क्या है? पॉजिटिव। जीरो का मतलब ये नेगेटिव, ये अपने पास में यहाँ क्या है? पॉजिटिव, सही। तो अपने पास में जो डायोड है वो कौन से सिचुएशन में आ गया? ये डायोड अपने पास में बन गया कौन सा सर्किट? ये अपने पास में बन गया ओपन सर्किट, सही है। तो ये अपने पास में ऐसे काम करेगा ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अपने पास में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये अपने पास में यहाँ कितना हो जाएगा? इधर से भी करंट नहीं आएगा, इधर से भी नहीं आएगा, तो ये अपने पास में यहाँ कितना आएगा? जीरो, जीरो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो ये अपने पास में आएगा जीरो, सही है। दूसरे केस में देखना, पहले वाले को एक कर देते हैं, दूसरे पहले वाले को जीरो कर देते हैं और दूसरे वाले को एक कर देते हैं, सही है। तो पहले वाला जीरो है, दूसरे वाले को एक कर देते हैं, एक करते ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, सही है। तो यहाँ से अपने पास में इस स्थिति में तो डायोड क्या है अपने पास में? ये जो अपने पास में डायोड है वो अपने पास में ओपन सर्किट की तरह है, लेकिन इस वाले केस में ये अपने पास में एनोड या कैथोड, सही है। तो इस सिचुएशन में अपने पास में ये जो डायोड है वो अपने पास में क्या होगा? एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, करेगा ओपन सर्किट की तरह काम। ये जीरो है और ये क्या है? एक है। तो यहाँ से अपने पास में ये वन है, ये वन यहाँ से आके यहाँ पहुँच जाएगा वन, तो अपने पास में आके मिलेगा वन मिलेगा अपने को, तो ये कितना हो गया? यहाँ वन हो गया, सही है। अगले वाले केस में देखना, इस वाले को वन कर देते हैं, इस वाले को कितना कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। तो इसको वन करते ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। जीरो करते जीरो किसका होता है? माइनस का, नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, सही है। अब इस वाले केस में देखना, ये अपने पास में एनोड पे प्लस, कैथोड पे माइनस, यानी ये अपने पास में होगा ओपन सर्किट, ये अपने पास में होगा क्लोज सर्किट, ये बन जाएगा कौन सा? ओपन सर्किट, सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये वन और ये जीरो, तो यहाँ से ये वन आता हुआ यहाँ सी पे पहुँच जाएगा, तो सी पे वन मिल जाएगा अपने को, वन और जीरो पे सी पर कितना मिल गया? वन मिल गया, मिल गया वन। अगले वाले केस में देखना, ये वन है, इसको भी वन कर देते हैं, इसको वन करने पे ये प्लस का और ये किसका? माइनस का। ये वन है, इसको भी वन कर देते हैं, तो ये अपने पास में कौन सा सर्किट हो गया? ये अपने पास में एनोड पे प्लस, कैथोड पे माइनस, एनोड पे प्लस, कैथोड पे माइनस,
तो ये भी अपने पास में क्या करेगा, क्लोज लूप की तरह काम करेगा। ये भी अपने पास में क्या करेगा, क्लोज लूप की तरह काम करेगा। तो ये अपने पास में क्लोज लूप, बंद लूप की तरह काम करेगा। ये वाला ऊपर वाला डायोड, नीचे वाला डायोड बंद लूप की तरह काम करेगा। एक और एक मिलकर यहाँ पहुँच जाएंगे तो अपने पास यहाँ कितना आएगा, एक आएगा। आउटपुट में कितना आएगा, सी बराबर, सी बराबर आएगा वन, सही है। तो यहाँ से देखना, एक और एक पर सी बराबर क्या हो गया, वन। ये अपने पास में टेबल बन गया, बन गया अपने पास में टेबल। ये टेबल कौन से गेट का है, ये सी बराबर अपने पास में किसके, सी बराबर अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है ए, ये अपने पास में सी हो गया। ये ट्रूथ टेबल कौन से ऑप्शन, कौन से गेट के अनुसार बन रही है, ऐसी ट्रूथ टेबल अपने पास में और गेट के लिए आती है, सही है। और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है, तो इनका एडिशन करके देखो, जीरो और जीरो का एडिशन जीरो, जीरो और वन का एडिशन वन, वन और जीरो का एडिशन वन, वन और वन का एडिशन वन। तो ये जो टेबल है कौन से गेट के टेबल के समान है, ये अपने पास में और गेट के टेबल के समान है, तो ये अपने पास में और गेट बन गया, सही है। तो ये जो परिपथ है, चित्र है, वो अपने पास में और गेट को क्या करता है, निरूपित करता है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को कॉपी में नोट